Hello everyone, welcome to ComScholar. In this video lecture, we are going to study a new chapter, that is income under head salary. देखिए income under head salary ये एक बहुत ही important chapter है. I'm not saying about the like this is important from the examination point of view, but also like जो students हैं अब college में पढ़ रहे हैं या आगे कोई भी professional course कर रहे हैं, so when they are at earning stage and when they are receiving salary from the employer, so unko pata hona chahiye like what kind of salary are taxable and which kind of salary is not taxable. Because jab aap income tax file return karne jaoge, so you must know everything about this. All right, okay. And agar hum baat kar rahe examination point of view se, like from the इंटरमीडिएट लेवल और यू कैन से लाइक बी कॉम प्रोग्राम और बी कॉम ऑनर्स, तो भी ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट करता है. बिकॉज अगर हम इनकम टैक्स का होल सिलेबस देखें, ठीक है, तो ये इनकम अंडर हेड सैलरी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है. एंड अगर आप देखेंगे तो इसका हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इसका छोटा मोटा जो है आपका रिफ्रेशन आता ही है. देखिए एग्जाम में इससे रिलेटेड तो एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इनकम फ्रॉम अंडर हेड सैलरी. बट द थिंग इज, जैसे आप मान लीजिए आप चैप्टर कर रहे हो सपोज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो एग्जामिनर आपसे सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं पूछेगा, हो सकता है आपसे सैलरी का भी कुछ छोटा पार्ट पूछ ले. बिकॉज सैलरी है ही अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर, ठीक है, तो इसलिए चैप्टर जो इतना और इम्पोर्टेंट हो जाता है. चलिए पढ़ते हैं क्या है ये इनकम अंडर हेड सैलरी. देखिए इनकम अंडर हेड सैलरी में अगर आपको पता पहचानना पड़ेगा कि कौन सी इनकम जो है आपको सैलरी में आएगी. जैसे हमने देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर जिसने आपकी देखी होगी, तो मैंने बताया था कि सेक्शन 14 जो है आपको क्या बताता है कि आपको जो है आप अपनी इनकम जो है क्लासीफाई करना है किसमें, इनटू डिफरेंट फाइव हेड्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, लाइक विच इनकम वुड बी कंसिडर्ड एज इनकम अंडर हेड सैलरी, देन विच इनकम वुड बी कंसिडर्ड हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, ठीक है, और PGBP, ठीक है. तो वो कैसे पता लगेगा, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द इनकम, ठीक है. तो सैलरी का नेचर कैसे पहचानना है वो ध्यान से देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द रिसीवर एंड द पे, यानी कि जो रिसीव कर रहा है पेमेंट और जो पेयर यानी कि जो पेमेंट कर रहा है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है. उस अगर ये रिलेशनशिप पता लग गया तब आपको पता चलेगा कि ये सैलरी ये जो इनकम है ये सैलरी के अंडर आएगी या नहीं आएगी. तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इनकम अंडर हेड सैलरी इज टैक्सेबल ओनली इफ देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप. देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड द पेई, and this relationship is said to be exist only if there is control over the method of doing the work of other person. यानी कि बोला है कि income under head salary taxable तभी होगी अगर payer and payee के बीच जो relationship है वो कौन सा है, employer and employee का, employer and employee का relationship है. and ये relationship तभी exist करेगा, that means अगर कोई एक person दूसरे person को जो है control कर रहा है, ठीक है. अब यहाँ पर कंट्रोल का मतलब क्या है, दैट मीन्स ये जो वर्ड लिखा है दैट इज कंट्रोल, कंट्रोल इन द सेंस दैट इफ द पेयर कैन डायरेक्ट व्हाट हैज टू बी डन, व्हेन एंड हाउ इट हैज टू बी डन, हु हैज टू बी डन, हु हैज टू डू इट, एंड द रिसीवर इज बाउंड टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेयर, ठीक है. दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ कंट्रोल, ठीक है. तो आपको क्या मैंने बताया कि इनकम अंडर हेड सैलरी तभी टैक्सेबल होगी इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड द पेई एग्जिस्ट कर रहा है. क्या है वो रिलेशनशिप, दैट इज एम्प्लॉयर एंड द पेई. एंड वो कैसे डिसाइड होगा कि वो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉई है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द कंट्रोल ऑफ द पेयर, ठीक है. एंड द पेयर इज बाउंड टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेयर, राइट. अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट मीन्स कई बार कन्फ्यूजन होती है कि क्या इनको हम सैलरी में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे. फर्स्ट वन इज पार्टनर ऑफ अ फर्म,
पार्टनर ऑफ ए फर्म। देखिए पार्टनर ऑफ ए फर्म में क्या होता है कि फर्म जो है पार्टनर को सैलरी दे रहा है, बट यहाँ पर जो है कोई रिलेशनशिप नहीं है, एम्प्लॉयर एंड के एम्प्लॉय के बीच कोई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रहा। सो इस केस में जो है इनको जो है हम सैलरी के अंडर काउंट नहीं करेंगे। देन सेकेंड वन इज दैट इज डायरेक्टर हु इज नॉट एन एम्प्लॉय। देखिए अगर कोई डायरेक्टर, अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉय है तो तब तो उसको डायरेक्टर को जो भी पेमेंट मिलेगी पेयर से, तब तो हम उसको क्या मिलेंगे, सैलरी के अंडर काउंट होंगे। बट डायरेक्टर का कवर क्या होता है, सिर्फ कंपनी को जो है डायरेक्ट करके चल जाता है, दैट मीन्स कोई सजेशन देके चल जाता है जस्ट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां पर कोई रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है। तो जो उसको पेमेंट मिलेगी कि उसी कंपनी से, तो वो कंपनी का जो है कोई रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, तो इसलिए उसको हम क्या मानेंगे, सैलरी में कंसिडर नहीं होगा। वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, राइट। देन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, देखिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को जो भी पेमेंट मिलती है वो भी जो है सैलरी में काउंट नहीं होती, वो कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, राइट। देन गेस्ट लेक्चर, कोई भी टीचर या कोई भी लेक्चरर अगर मान लीजिए किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, कोई मीन्स जो जो जहाँ पर वो रेगुलर एम्प्लॉई है वहाँ तो उसको सैलरी मिल रही है। सपोज वो कोई किसी और दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके कोई एक छोटा लेक्चर दे रहा है गेस्ट, एज अ गेस्ट लेक्चर, तो भी उसकी जो इनकम आएगी वो कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, ना कि इनकम फ्रॉम सैलरी में। अच्छा पार्टनर ऑफ ए फर्म में उसको सैलरी, उसकी जो पेमेंट आएगी जो जाएगी वो कहाँ जाएगी, दैट इज वो इनकम जाएगी पीजीबीपी में, ठीक है, कहाँ जाएगी वो पीजीबीपी में, ऑल राइट। सो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपको ध्यान देना है। फर्स्ट वन इज सैलरी एंड वेजेस आर ट्रीटेड सेम, ये लिखा हुआ है चैप्टर में, ठीक है, एक्ट में लिखा हुआ है कि सैलरी और वेजेस को जो है एक ही तरह से मानना है। देन सेकेंड वन इज पेमेंट मेड टू जजेस विल बी ट्रीटेड एज सैलरी इन द हैंड ऑफ जजेस, हाउ एवर ऑल अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स वुड बी टैक्स फ्री। क्या मतलब हुआ, देखिए क्या बोला, देखिए पेमेंट को सॉरी जजेस को जो भी पेमेंट मिलती है वो तो सैलरी मानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनिए। देखिए सैलरी तो है, लेकिन अभी आप ऊपर पढ़ा कि सैलरी तब मानेंगे व्हेन देयर इज अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई, और उनमें कौन सा रिलेशनशिप है, दैट इज द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, यही है। लेकिन जजेस को जो है हम एम्प्लॉय नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते, क्योंकि अगर जजेस को अगर एम्प्लॉय मान लिया तो वो एम्प्लॉयर के सारे इंस्ट्रक्शन मानेगा भाई, उन्हीं के फेवर में सारे जो है वो डिसीजन लेगा, तो इसलिए जजेस को जो है एम्प्लॉय नहीं मानेगा। ऑल दो जो उनको जो भी पेमेंट मिलेगी वो क्या मानेंगे, सैलरी मिलेगी। प्लस इसमें एक और पॉइंट है, जजेस को अगर कोई कोई भी सैलरी के अलावा कोई भी अलाउंसेस या बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है, तो वो टोटली टैक्स फ्री होंगे, राइट। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि अलाउंसेस क्या होते हैं या परगेजेस क्या होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। देन एनी वॉलेंट्री पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर इन द फॉर्म ऑफ सैलरी अलाउंसेस बेनिफिट वुड बी टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आप हो सैलरी इनकम पर्सन हो, आपका एम्प्लॉयर आपको एक रेगुलर सैलरी पेमेंट कर रहा है, ठीक है, अब एम्प्लॉयर आपकी अपनी मर्जी है कि वो सैलरी के ऊपर आपको कुछ बेनिफिट्स भी दे सकता है, अलाउंसेस भी दे सकता है, या फिर मान लीजिए कुछ अमाउंट आपको बोनस भी दे सकता है, ठीक है, तो वो सब क्या है, ये एक वॉलेंट्री पेमेंट है, ठीक है, एंड वो मिल तो आपको एम्प्लॉयर से रहे हैं, ठीक है, एंड रिलेशनशिप भी क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, तो दैट मीन्स वट एवर यू आर इन अर्निंग और वट एवर यू आर गेटिंग एनी पेमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर दैट वुड बी कवर्ड अंडर हेड सैलरी, एंड वो सब आपका टैक्सेबल होगा, राइट। यहाँ पर वॉलंटरी पेमेंट क्या है, हम लोग यानी कि एम्प्लॉयर की अपनी मर्जी है कि वो सैलरी के अलावा कुछ भी और भी दे सकता है, बेनिफिट इन काइंड कुछ भी दे सकता है, बट जो भी आप एम्प्लॉयर से जो भी रिसीव कर रहे हो दैट ऑल वुड बी टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी, ऑल राइट। सो दीज आर ऑल द बेसिक्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सेक्शन 15। जैसे देखिए हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि इनकम टैक्स का एक सेक्शन है दैट इज कॉल्ड सेक्शन 4, ठीक है, चार्जिंग सेक्शन था आपका वो, तो ऐसे ही अब आपका यहाँ पर सैलरी में एक चार्जिंग सेक्शन है दैट इज कॉल्ड सेक्शन 15। क्या बताता है ये,
सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट्स और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। बहुत ध्यान से देखने क्लास, ये बहुत मैटर करता है। क्या लिखा है? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। मीन्स जैसे मान लीजिए सैलरी कई बार, देखिए आपको जो मिल रही है जिसी भी किसी भी लाइक प्रीवियस ईयर में जितनी सैलरी मिली तो वो तो टैक्सेबल होगी होगी, बट अगर मान लो कोई सैलरी नहीं मिली वो ड्यू है, तो वो ड्यू वाली भी उसी प्रीवियस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगी। क्यों? वो मिली नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर में मिलेगी, वो नेक्स्ट ईयर में मिलेगी। बट यहाँ पे क्या है? रिसीट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, इसको मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से के थ्रू समझाता हूँ। जैसे देखिए आपके ये दो ईयर हैं, दैट इज 2020 टू 2021 एंड 2021 टू 2022। तो मान लीजिए कि आपको इस ईयर में जो सैलरी मिली है वो मिली है फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स टू सपोज दिसंबर, आपको मिल गई। ठीक है, दैट मीन्स आपको जो है 9 मंथ्स की सैलरी आपको मिल चुकी है एंड 12 मंथ्स की ड्यू है। ये क्या है? रिसीव्ड, आपको मिल चुकी है एंड 12 मंथ्स की ड्यू है एंड 3 मंथ्स का आपको मिला ही नहीं है। 3 मंथ्स की तो आपकी मिली नहीं है ना अब तक आपको। दैट मीन्स फ्रॉम जनवरी फरवरी मार्च, ये आपको कब मिली है? एम्प्लॉयर ने आपको बोला कि भाई इस साल काम अच्छा नहीं हुआ, ठीक है हम आपको जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट मंथ में आपको 3 मंथ्स की सैलरी पहले ही दे देंगे। दैट मीन्स जनवरी की भी अप्रैल में दे देंगे, फेबररी की भी एंड मार्च की भी आपको सैलरी अप्रैल में दे देंगे। एंड मान लीजिए आपकी सैलरी है सपोज 50,000 पर मंथ, आपकी सैलरी कितनी है? 50,000 पर मंथ आपकी सैलरी है। अब क्वेश्चन अराइज ही होता है कि आपकी कितनी सैलरी जो है इस ईयर में टैक्सेबल होगी, दैट मीन्स इन द ईयर 2021, एंड कितनी सैलरी जो है आपकी 2021 टू 2021 कितनी सैलरी आपकी इस ईयर में टैक्सेबल होगी। तो देखिए कैसे करना है आपको। पहले यहाँ लिख रहा हूँ फॉर द प्रीवियस ईयर 2020 टू 2021। कैसे करना है वो भी देखिए, प्रेजेंटेशन मैटर करनी है यहाँ पर। तो देखिए कैसे करना है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर, और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। देखिए सैलरी रिसीव्ड कितने मंथ्स की आपको मिल चुकी है? 50,000 इंटू 9, दैट इज 4,50,000 प्लस सैलरी ड्यू फॉर 3 मंथ्स, वो भी टैक्सेबल होगी। मिली नहीं है, ड्यू है, और ऊपर क्या पड़ा? रिसीट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। ड्यू पहले हुआ बट रिसीव बाद में हुआ ना, रिसीव कब कब हुआ? नेक्स्ट ईयर में हुआ। तो हमें देखना है कि पहले कौन सा आया, ड्यू या रिसीव्ड। दैट इज ड्यू पहले आया तो हम 3 मंथ्स की सैलरी भी हम यहाँ पर लिखेंगे। दैट मीन्स 50,000 इंटू 3, दैट इज 1,50,000 1,50,000 एंड द टोटल इज 6 लाख। ये आपकी होगी टैक्सेबल सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 2020 2022 2021, राइट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट मींस अब क्वेश्चन आ रहा होता है कि प्रीवियस ईयर 2021 2022 में कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी, कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी। देखिए आपको, देखिए आपने 3 मंथ्स का सैलरी यहाँ पर आपको मिला मिला नहीं है, बट आपने टैक्स पहले दे दिया, तो आप इसी सैलरी पे, सेम सैलरी पे आप दोबारा टैक्स दोगे नहीं, दोबारा टैक्स दोगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 टू 2022, अब इस ईयर में आपको सैलरी पूरी मिल चुकी है, तो क्या करोगे? बस लिखोगे सैलरी रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, इसमें तो पूरी 12 मंथ्स की मिल रही है, तो यहाँ पर आप पूरा ही टैक्सेबल करोगे 50,000 इंटू 12। बाकी जो प्रीवियस 3 मंथ्स की थी ऑल आपको वो भी मिली है, बट वो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि आपने वो प्रीवियस ईयर में उसका टैक्स
दे चुके हो, दो बार तो टैक्स दोगे नहीं, सो दिस इज द टैक्सेबल सैलरी, दैट्स इट। आपको बस मैंने आपको बोला है आपको देखना है ड्यू और रिसीव्ड बीच एवरेज अर्लियर। ओके चलिए इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपकी 50,000 सैलरी है, 50,000 पर मंथ आपकी सैलरी है, राइट। एंड मान लीजिए कि आपको फॉर द ईयर 2021-22 की सैलरी, मान लीजिए 2 महीने की सैलरी आपको एडवांस में मिल गई, इस ईयर में आपको एडवांस मिल गई। मान लीजिए नया साल आया जनवरी में, आपको जो है एम्प्लॉयर ने बोला कि हम चलो आपको नेक्स्ट ईयर की सैलरी आपको एडवांस में दे रहे हैं, जनवरी में आपको एडवांस मिल गई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो रिसीव्ड और ड्यू विच एवर इज अर्लियर, तो दैट मीन्स अब क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर की सैलरी मिली आपको पहले मिल गई, ठीक है, आपको पहले मिल गई। तो कैसे करना है, देखिए प्रेजेंटेशन में फिर से बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, ध्यान से लिए आपको करना है, यहाँ लिखना है फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-2021। कैसे करना है, पहले लिखोगे सैलरी रिसीव्ड इस महीने में, तो आपको पूरी मिली है, इस महीने की तो आपको पूरी मिली है 50,000 इंटू में 12, दैट इज ₹6 लाख, ये तो मिली मिली है। प्लस आपको पूरा ऐसे लिखना है, 50,015 नहीं करना, आपको ऐसे करना है एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी, फिर आपको मेंशन करना है यहां पर फॉर 3 मंथ्स और सॉरी फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स कितना हुआ 1 लाख, तो टोटल यहां पर टैक्सेबल हो जाएगी आपकी, दैट इज 7 लाख, दैट्स इट। देन इन द नेक्स्ट ईयर क्या होगा फिर वो, दैट मीन्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2021-2022 क्या लिखोगे, सैलरी रिसीव्ड, इसमें तो आपको 9 मंथ्स की सैलरी मिली है, तो 50,000 इनटू में 9 इक्वल टू 4,50,000, बिकॉज 3 मंथ्स की सॉरी 10 आएगा, सॉरी नॉट 9, इट वुड बी 10, दैट इज ऑफ ₹5 लाख, बिकॉज 2 मंथ की सैलरी का आप टैक्स ऑलरेडी दे चुके हो, तो बस आपके टैक्सेबल सैलरी बनेंगी इन द ईयर फॉर द ईयर 2021, दैट इज 5 लाख, दैट्स इट। तो आपको बस ये देखना है कि जो चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 15 या कोड का बताता है, दैट इज सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर, चाहे मिली ना हो लेकिन ड्यू है तो भी टैक्स देना है, ठीक है। और मतलब दोनों ही सूरतों में आपको देना है, आपको टैक्सेबल देना है, ठीक है, पहले ही मिल गई हो, ड्यू बाद में हो रही है। इस केस में क्या देखो ना, मिल आपको पहले गई है, आप देखो ना यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको जो है 14 मंथ्स की रिसीव्ड हो चुकी थी, 14 मंथ्स की रिसीव्ड हो चुकी, बट ड्यू बाद में हो रही है, नेक्स्ट ईयर में हो रही है, तो कौन सा पहले हुआ, दैट इज रिसीव्ड, तो इसलिए यहाँ पर जो है 14 मंथ्स का टैक्स, 14 महीने की सैलरी का टैक्स आपको ऐसे देना पड़ेगा। बट द थिंग इज आपको प्रेजेंटेशन है देनी है, मीन्स आपको बताना पड़ेगा कि 2 मंथ्स एडवांस सैलरी है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि आप 50,000 इंटू 14 आप गलत, नहीं, वो प्रेजेंटेशन आप गलत हो जाएगी, आपको ऐसे 50,000 इंटू 2 एडवांस सैलरी, राइट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्शन 9(1) प्लेस ऑफ सैलरी। प्लेस ऑफ सैलरी इन द सेंस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सैलरी इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज एट द प्लेस वेयर द सर्विस इज रेंडर्ड। ऑब्वियसली देखिए लाइक इन अक्रॉस द इंडिया वेर एवर यू आर प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ सर्विस एंड आपको एम्प्लॉयर से अगर आपको कोई भी सैलरी मिली है, तो आपकी सैलरी वहीं टैक्सेबल होगी जहां से आपको मिली है। इंडिया इंडिया में आप कहीं पर भी हो तो ऑब्वियसली इंडिया में टैक्सेबल होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर मान लीजिए कोई सैलरी अगर आपको बाहर मिल रही है, अगर आप सॉरी सर्विस अगर आप बाहर सर्विस अगर आप बाहर दे रहे हो और आप कहते प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो,
तो टैक्सेबल कहाँ होगी, वो टैक्सेबल आपकी बाहर होगी, टैक्सेबल आपकी बाहर होगी। बट अगर मैं दूसरा सिनेरियो दूँ, अब दूसरा केस सुनिए है, सुनिए, अगर आप बाहर काम कर रहे हो बट अगर आपको पेमेंट कौन कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आप एम्बेसी में काम कर रहे हो, पेमेंट कौन कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट, तो उस केस में, सिर्फ उसी केस में आपकी जो सैलरी जो टैक्सेबल होगी वो कहाँ पर होगी, इंडिया में होगी, राइट। यस, तो यही इसमें छोटा सा पॉइंट था, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, सर्विस अगर आप बाहर आउटसाइड इंडिया दे रहे हो, तो भी आपकी सैलरी टैक्स, तब भी आपकी जो सैलरी होगी वो टैक्सेबल कहाँ होगी, इंडिया में होगी। बट दूसरा केस, अगर आप बाहर का इंडिया से बाहर आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हो बट आपका एम्प्लॉयर कौन है, प्राइवेट कंपनी है, तो उस केस में आपकी सैलरी कहाँ पर टैक्सेबल होगी, वेयर यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस, ठीक है। चलिए नंबर वन टू नेक्स्ट, दी फॉर्मेट ऑफ टैक्सेबल सैलरी, दैट मीन्स सैलरी को कंप्यूट कैसे करें। सैलरी में क्या क्या आता है पहले ये देख लें, पहले आता है बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी क्या होता है, देखिए जैसे पोस्ट के अकॉर्डिंग सबकी बेसिक सैलरी होती है, दैट मीन्स जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसकी सबकी अपनी अपनी एक बेसिक सैलरी होती है, दैट मीन्स हायर पोस्ट होगी तो हायर बेसिक सैलरी होगी, ठीक है। देन उसमें आपको ऐड करना है डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस इन द सेंस, इसको हम अगर हम हिंदी में बात करें, हिंदी में बोलते हैं इसको महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता, दैट मीन्स सैलरी में आपका बेसिक सैलरी में एवरी ईयर या सेमी एनुअली कैसे तो इंक्रीमेंट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ डियरनेस अलाउंस, मीन्स मैं सॉरी, जस्ट और नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ डियरनेस अलाउंस, ऑब्वियसली अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसके बेसिस पे आपका इंक्रीमेंट होता है। बट अगर देखिए बेसिक सैलरी में जो फर्स्ट इंक्रीमेंट होता है तो वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डियरनेस अलाउंस, बिकॉज देखिए एवरी ईयर इन्फ्लेशन ऑब्वियसली बढ़ता ही है, एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो फर्स्ट जैसे आपका मोटिव होता है दैट इज टू बीट द इन्फ्लेशन, तो बट आपको जो रेगुलर सैलरी मिल रही है वो भी तो आपकी उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, बिकॉज महंगाई बढ़ रही है तो आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए, तो इसलिए चाहे वो कितना भी हो, लाइक 4%, 5%, 6%, वो डिपेंड करता है इन्फ्लेशन रेट पे, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एडवांस सैलरी रिसीव। अच्छा सॉरी, मैं एक वही पॉइंट बता मिल गया डियरनेस अलाउंस में। देखिए डियरनेस अलाउंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज दैट इज कुछ एम्प्लॉयर होते हैं जो आपको डियरनेस अलाउंस पे करते हैं, बट वो देते हैं ओनली फॉर दी पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और कुछ देते हैं भाई कुछ मेंशन नहीं करते, बस पूरा आपको डियरनेस अलाउंस देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 5,000 पर मंथ, एंड उन्होंने मेंशन करते हैं दैट 70% ऑफ दिस अमाउंट आज रिलेटेड टू रिटायरमेंट बेनिफिट, दैट मीन्स इसका कुछ पार्ट आपको रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिलेगा मिलेगा, यानी जब आप रिटायर हो रहोगे तो उसका कुछ बेनिफिट आपको रिटायरमेंट टाइम में मिलेगा मिलेगा। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर जब भी आपको सैलरी मिल रही है और डियरनेस अलाउंस मिल रहा है, जिस ईयर मिला 100% अमाउंट यहाँ पर आपका टैक्सेबल होगा, यहाँ पर हमेशा देखना ये आपका अमाउंट आपका 100% आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, सपोज मैंने आपको जैसे बोला कि डीए आपको जो मिल रहा है दैट इज आपको मिल रहा है 5,000 पर मंथ, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, एंड इन द ब्रैकेट इट इज क्लियरली मेंशन दैट 70% ऑफ डीए इज फॉर रिटायरमेंट पर्पस, दैट मीन 70% ऑफ दिस अमाउंट यू विल गेट बेनिफिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ये लिख दिया उन्होंने। तो आपको यहाँ पर देखना नहीं है कि आप जब आप बेसिक सैलरी में डीए आप ऐड करोगे तो यहाँ इस केस में आपको जो है ये परसेंटेज नहीं देखना, आपको बस देखना है कि मिला कितना है, दैट इज 5,000 पर मंथ, दैट इज 5,000 इंटू 12, 60,000 फुल अमाउंट वुड बी टैक्सेबल, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एडवांस सैलरी रिसीट, ये हमने ऊपर देखा था, अब ये मिलेगा रिसीट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर, तो वो भी आया वो क्या। देन एरियर ऑफ सैलरी, यहाँ पर ये छोटा सा पॉइंट आपको थोड़ा परेशान कर रहा है, दैट इज एरियर ऑफ सैलरी, मतलब क्या है, दैट मीन्स वो सैलरी जो आपको पहले नहीं मिली बट बाद में मिली है। अब आप बोलोगे सर अभी तो अपने ऊपर बोला था कि रिसीव और ड्यू विच एवर इज अर्लियर, यस एरियर ऑफ सैलरी, जैसे देखो ऊपर मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि रिसीव और ड्यू विच एवर इज अर्लियर वुड बी टैक्सेबल। अब एरियर ऑफ सैलरी का मतलब ये है कि अगर कोई भी सैलरी अगर आपको पहले नहीं मिली, ठीक है, तो
वो जो है बाद में अगर मिली तो वो टैक्स को लगेगी। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, मान लीजिए बहुत कम सिनेरियो ऐसा होता है कि मान लीजिए सैलरी अगर ड्यू हो गई, बट क्या होता है कि वो रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, तो दैट मीन्स वो टैक्सेबल नहीं हुआ। तो ये आपको तभी कंसिडर करना है इफ नॉट टैक्सेबल। यहाँ लिख देता हूँ, इफ नॉट टैक्सेबल अर्लियर, मीन्स पहले इसको जो है टैक्सेबल नहीं किया, इसलिए हम पर एरियर सैलरी कर रहे हैं इसका। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है लाइक एवरी 10 ईयर्स वो एक पे कमीशन लेके आती है, जैसे देखिए अभी करंटली चल रहा है 7th पे कमीशन। तो जब कोई नया कमीशन आता है तो वो गवर्नमेंट जो है ऑर्डर देती है फाइनेंस कमीशन को कि आप ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी पोस्ट है, ठीक है, आप वहाँ पर जो है इसको सर्वे कीजिए एंड वहाँ पर देखिए कि लाइक अब जो है सैलरी में हर पोस्ट पे कितना कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो उसको सर्वे करने में देखिए इतना मतलब बहुत बड़ा, देखिए इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका रिकॉर्ड करना, सब कुछ करना, पोस्ट दिखाना, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो कई बार तो 2-3 साल लग जाते हैं। जैसे देखिए अभी जो पे कमीशन जो आया था दैट इज़ इन 2016 में आया था, अब जो नेक्स्ट आएगा दैट इज़ इन 2026 में आएगा। तो जब क्या होगा, गवर्नमेंट बोलेगी इस ईयर में फाइनेंस कमीशन को कि अब आप जाके जो है सर्वे कीजिए, बताइए यहाँ पर कि अब हमें कितना इंक्रीमेंट करना चाहिए। अब इनको सर्वे करते करते मान लीजिए 2 से 3 साल लग गए, ठीक है, अब दो से तीन साल बाद पता चलेगा कि सैलरी में मतलब गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज है कि उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, चाहे वो कितना भी हो लाइक 20%, 30%, कितना भी उनके सैलरी में जो भी इंक्रीमेंट हुआ नए पे कमीशन पे। तो दैट मीन्स मान लीजिए पता चला 2029 में, बट जो 3 ईयर्स का गैप है इसमें तो पता ही नहीं चला, ऑल दो सैलरी इज ड्यू बट पता ही नहीं कितनी सैलरी है। तो इसलिए यहाँ पर वो यानी कि 2026 या 2027 में 28 में वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्यों, रिकॉर्ड ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं है तो वो टैक्सेबल होगा कहाँ। इसलिए तो वो सैलरी कम मिलेगी, वो इकट्ठे कम मिलेगी इन 2029 में जाके मिलेगी, तो वो सैलरी तभी सभी टैक्सेबल हो जाएगी, राइट। नंबर मूव टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज लीव सैलरी। देखिए होता क्या है, जैसे हर एम्प्लॉय को हर साल कुछ जो लीव मिलती है, मान लीजिए मैं तो बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 30 डेज की लीव मिलती है, फिक्स्ड है। अब मान लीजिए एम्प्लॉय ने वो लीव नहीं ली तो क्या होगा, अब वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट पे, डिपेंड करता है एम्प्लॉय एम्प्लॉय पे। कुछ एम्प्लॉय बोलते हैं जैसे कि भी अगर आपने लीव नहीं ली तो आपकी सारी 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 जो लीव होगी वो लैप्स हो जाएगी। कुछ एम्प्लॉय बोलते हैं कि अगर आपने नहीं ली तो आप बच्चे कुछ जो जैसे मान लीजिए मैंने लीव ली सपोज 25 डेज की, 5 डेज की नहीं ली, ऑल दो मुझे अलाउड थी बट मैंने नहीं ली, तो मैं क्या कर लिया, मैंने 5 डेज की लीव सैलरी को क्या करा, एनकैश करा लिया, यानी कि कैश में मैंने इसको कन्वर्ट करा लिया। तो फिर जितना मुझे मिला वो टैक्सेबल, जितना मुझे मिला वो टैक्सेबल। बट होता क्या है, कई बार मैं ड्यूरिंग द जॉब उसको मैं एनकैश नहीं कराता, जरूरत नहीं मुझे, मैंने सोचा कि चलो मैं अभी इसको एनकैश नहीं कराता, मैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको सारा बेनिफिट दे लूँगा, ठीक है, उसका सारा बेनिफिट ले लूँगा। तो उस केस में सारा जब मुझे देखना पड़ेगा कि रिटायरमेंट के टाइम पे क्या वो मेरी लीव सैलरी टैक्सेबल होगी या एग्जेम्प्ट होगी, वो हम जब हम इसको लीव सैलरी को अच्छे से पढ़ेंगे तब हम कैसे करेंगे। बस यहाँ देखना आपको लीव सैलरी इन द सेंस जो आपने लीव नहीं ली, या तो आपने इसको एनकैश करा लिया या तो नहीं कराया, तो फिर आपको रिटायरमेंट टाइम पे आपको एनकैश कराना है। तो उस केस में देखना आपको निकालना है टैक्सेबल पोर्शन, जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पर टैक्सेबल, पूरा ही नहीं, जरूरी नहीं आपको जितना मिला सारा ही टैक्सेबल होगा, कुछ एग्जेम्पशन मिलती है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा ओनली द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ली सैलरी वुड बी एडेड यहाँ, ठीक है। देन नेक्स्ट दैट इज फीस एंड कमीशन, दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ फीस और कमीशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई फ्रॉम द एम्प्लॉई द एंटायर अमाउंट वुड बी टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी, दैट मीन्स ये आपका सैलरी का पार्ट बन जाएगा। देन बोनस अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ सैलरी, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। देन अलाउंसेस, दैट मीन्स जितने भी अलाउंसेस मिल रहे हैं आपको, अभी हम बहुत सारे टैक्सेबल अलाउंसेस पढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सिर्फ लिखने टैक्सेबल अलाउंसेस।
बिकॉज अलाउंसेस में जरूरी नहीं कि आपको जितने अलाउंसेस मिले या जितना अमाउंट मिला एंटायर का एंटायर ही टैक्स पेबल, नहीं, कुछ अलग अलग अलाउंसेस में अलग अलग एक्सेम्पशन है, तो वह हम पढ़ेंगे, तो उसका हम टैक्सेबल अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ग्रेचुटी। ये भी एक आपको रिटायरमेंट बेनिफिट अमाउंट मिलता है, ठीक है, तो इसमें भी आपको देखना कि टैक्सेबल ग्रेचुटी अमाउंट जो होगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। देन पेंशन, पेंशन में आपको पता ही है रिटायरमेंट बेनिफिट है अमाउंट है आपको, तो वो भी आपको टैक्सेबल अमाउंट लिखना है, ठीक है। सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ सैलरी, सबको ऐड करेंगे, यू विल गेट ग्रो सैलरी। एंड इन द लास्ट आपको हमेशा क्या लेना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 61, एंड इसका जो फिक्स्ड अमाउंट है दैट इज 50,000 है, यानी कि 50,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी, एंड देन यू विल गेट टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। सो दिस इज दी बेसिक फॉर्मेट ऑफ टैक्सेबल सैलरी, दैट इज हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपके कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, एंड दीज आर दी गोल्डन रूल्स, दीज आर दी गोल्डन रूल्स। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी जिनको तो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको तो मैं प्रोवाइड नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा। ये गोल्डन रूल्स क्या है, दैट मीन्स पूरे सैलरी का जो मतलब है वो इस चार्ट में पूरा छुपा हुआ है। जब हम सब अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे देखिए मैंने लिखा हुआ है रेंट फ्री अकोमोडेशन, हाउस रेंट अकोमोडेशन, हाउस रेंट अलाउंस सॉरी, एंटरटेनमेंट अलाउंस, लिविंग अरेंजमेंट, ग्रेचुटी, पीएफ कंट्रीब्यूशन, तो इसमें सैलरी का मीनिंग लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छा से मैंने चार्ट सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, अगर आप नहीं समझ लिया मैं बताऊंगा उसको पढ़ना कैसे, वो भी बताऊंगा, ठीक है। बट ये चार्ट अगर आपने अच्छे से एग्जाम में सिर्फ एंड में आगे सिर्फ ये पढ़ के चले गए, ऑल्दो आपको प्रैक्टिस तो करनी है बट ये याद करने के लिए है, ठीक है, आपको ये इससे अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। चलिए अब हम पढ़ते हैं पहला रिटायरमेंट बेनिफिट, दैट इज लीव सैलरी, दैट इज लीव सैलरी। देखिए बहुत अच्छे से मैंने आपको उसका चार्ट बनाया हुआ है, ध्यान से देखिए। लीव सैलरी जैसे आपको मैंने अभी आपको बताया, मान लीजिए आप एम्प्लॉई हो, अभी मैं एग्जाम्पल मतलब ये नहीं बता रहा कि आप कौन से एम्प्लॉई हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आप एम्प्लॉई हो, आपको 30 डेज की लीव आपको अलाउड है, बट आपने सब लीव नहीं ली, ठीक है, आपकी कुछ लीव रह गई, तो अब डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट पे, डिपेंड करता है कि आपके एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। मीन्स कई बार वो मैंशन कर देते हैं कि आपकी अगर कोई लीव रह जाती है तो आपकी लीव जो वो लैप्स हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होता है कि सब एम्प्लॉय ठीक है लीव ले लेते हैं, ले ही लेते हैं क्योंकि वो लैप्स हो जाएगी तो ले ही लेते हैं, बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि नहीं, अगर आप नहीं ले पाए तो आप उन बची कुछ लीव्स का जो है आप उसको एनकैश करा सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स पर डे जो भी आपका जो सैलरी अमाउंट बचता है वो आप उसको एनकैश करा सकते हो। देन एक और ऑप्शन होता है, एम्प्लॉयर बोलता है अगर मान लीजिए आपने आज उसको, मान लीजिए मैंने 2020-21 में मेरे को 30 डेज की लीव अलाउड थी, मैंने ली 25 डेज की, 5 डेज की लीव नहीं ली और मैंने इसको एनकैश भी नहीं कराया, तो होगा क्या, अब हो सकता है मुझे एम्प्लॉयर एक बेनिफिट दे रहा है कि अगर आप आज यानी कि 2021 में इसका आप एनकैश नहीं करा रहे तो कोई नहीं, ये आपकी जो है अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, कब होंगे, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए लीव सैलरी जो कवर्ड होता है दैट इज सेक्शन अंडर 10 10AA में क्या बोलता है, अगर आप कोई भी लीव सैलरी ड्यूरिंग जॉब अगर आपने इसको एनकैश करा लिया, ड्यूरिंग जॉब अगर आप रिटायर नहीं हुए, ड्यूरिंग जॉब अगर आपने इसको रिटायर करा लिया, सो दैट वुड बी टैक्सेबल फॉर ऑल। अच्छा यहाँ पर टैक्सेबल फॉर ऑल का मतलब क्या है, टैक्सेबल फॉर ऑल मीन्स वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई और यू आर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सबके लिए वो टैक्सेबल है। ड्यूरिंग जॉब अगर आपने कोई भी लीव सैलरी को एनकैश कराया है तो वो सबके लिए टैक्सेबल है, राइट। देन सेकेंड पार्ट देखिए लिखा है आफ्टर रिटायरमेंट, यानी अगर आप उसको आफ्टर रिटायरमेंट अगर आप उसको एनकैश कराते हो तो कब कब एग्जेम्प्ट है और कब टैक्सेबल है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है,
फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कितना भी अमाउंट मिले उससे कोई मतलब नहीं, फुल एग्जेम्प्ट है, राइट। देन बट अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, एग्जेम्प्शन मिलेगी आपको लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यही आपको ध्यान से पढ़ना है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट, किस किस केसेस में, इफ यू आर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो देखिए क्या है, फर्स्ट वन इज अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि जितना भी आपको अमाउंट मिला एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो भी लीव एंकैशमेंट आपको मिला वो लिखोगे, प्लस आपको मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट मिली कितनी, 3 लाख की। बी पार्ट ये हो गया, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 3 लाख की। देन सी पॉइंट आपको करना है सैलरी, आपको अपनी कैलकुलेट करनी है सैलरी फॉर सर्विस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, यानी कि रिटायरमेंट से पहले आपको लास्ट 10 महीने की सैलरी आपको यहाँ पर लिखनी है। देन डी पॉइंट डेट इज कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनवेड लीव एट 30 डेज फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस, ये आपको इतना जल्दी समझ नहीं आएगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए ये पॉइंट लिखे हैं। दैट मीन्स आप समझ लीजिए कि डी पॉइंट के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, राइट। तो स्टेप्स क्या हैं, यानी कि ये पॉइंट डी पॉइंट आपको कैसे कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर वन, लीव्स एक्चुअली अलाउड और 30 डेज पर ईयर विच एवर इज लेस, मतलब क्या है, मान लीजिए आपको अलाउड है सपोज 45 डेज की हर साल, बट यहाँ बोला हुआ है कि 30 डेज पर ईयर, तो विच एवर इज लेस कितना होगा, 30 डेज। सिमिलरली मान लीजिए आपको अलाउड है कितनी, 25 डेज की, फिर कंपेयर करना 30 डेज से, तो जटमिन क्या लगेगा, 25 25 डेज पर ईयर। मान लीजिए आपने जो है एक सर्विस दी सपोज 15 साल दी है, ठीक है, एंड आपको अलाउड थी 45 डेज की, तो क्या करोगे, 15 × 30 नॉट 45, ठीक है। अलाउड आपको तो थी 45 डेज की, बट आपको लिखना है 45 डेज और 30 डेज विच एवर इज लेस, राइट। देन स्टेप नंबर टू, लीव एक्चुअली टेकन, यानी कि आपने ली कितनी, मान लीजिए आपको अलाउड थी 45 डेज की, बट आपने ली कितनी, ओनली 20 डेज की, तो यहाँ पे लिखना है 20 डेज फॉर ईच कंप्लीट सर्विस ऑफ ईयर, ठीक है, लीव्स एक्चुअली टेकन। देन स्टेप नंबर थ्री कैसे करना है आपका, वो स्टेप नंबर वन माइनस स्टेप नंबर टू मल्टीप्लाई बाय एवरेज लास्ट 10 मंथ सैलरी, मैंने लिखा है पर देखो सी पॉइंट लिखा है पर, सी पॉइंट यहाँ पर ये है, यानी कि जो आपने सैलरी कभी लास्ट 10 मंथ की उसका आपको एवरेज लेना है डिवाइड बाय 30, ठीक है। जो अमाउंट आएगा आपका वो आप डी पॉइंट में लिख लेना, फिर आपको कंपेयर करना है विच एवर इज लेस, यानी कि इन सब में ए बी सी डी में जो भी सबसे कम होगा वो अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगाया बट मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, ठीक है, बट कोई नहीं आपको बस याद हो जाएगा, देखिए याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ते हैं आपको याद हो जाएगा। लीव सैलरी कवर्ड हो रहा है सेक्शन 10 10AA में, अगर आप ड्यूरिंग जॉब कुछ भी अगर आप रिसीव कर रहे हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट, चाहे आपका कोई भी एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट, ड्यूरिंग जॉब कुछ भी रिसीव कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ लीव एंगेजमेंट, तो पूरा टैक्स उड़ेगा। आफ्टर रिटायरमेंट डिपेंड करता है आप कौन से एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ये 4 स्टेप्स ए बी सी डी पॉइंट निकाल लो, इनमें जो भी लीस्ट अमाउंट होगा वो आपका टैक्स उड़ जाएगा, राइट। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। मिस जे गॉट 90,000 एज लीव एंकैशमेंट ड्यूरिंग रिटायरमेंट, वॉज एंटाइटल्ड फॉर 40 डेज लीव एवरी ईयर, हर एवरेज सैलरी वॉज ₹60,000, शी वर्क फॉर 7 ईयर्स एंड 7 मंथ्स इन ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड, कैलकुलेट टैक्सेबल लीव सैलरी इफ लीव यूटिलाइज 22 डेज, एंड सेकेंड लीव स्टैंडिंग टू हर क्रेडिट फॉर एवरी ईयर वर 15 डेज। मतलब क्या, देखो पूरे ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से देखिए, देखिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है कितना मिला, 90,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब देखना है कि क्या ये एम्प्लॉई गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, लिखा हुआ है कहाँ पर जॉब की है, ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड, दैट मीन्स नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उस केस में देखना है ए बी सी डी, ठीक है। तो हम पहले सबको लिखेंगे, देखिए ए पॉइंट क्या था, अमाउंट रिसीव्ड,
ऊपर हमें चार्ट में देखा था अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड देखिए कितना मिला हमें उसको 90,000, तो यहाँ लिखो 90,000, ठीक है। देन बी पॉइंट मैक्सिमम लिमिट कितनी है, ₹3 लाख। देन सी पॉइंट एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स यानी कि रिटायरमेंट से पहले, यहाँ कितना लिखा हुआ है, हर एवरेज सैलरी वॉज ₹60,000। अब हम पता कैसे लेकर लास्ट 10 मंथ्स के, अब क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम इसी को कंसिडर करके चलेंगे, कितनी है 60,000। देन डी पॉइंट, डी पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है आपको, यहाँ पर मैं डी पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ कि डी पॉइंट कैसे करना है, स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर वन देखिए कैसे करना है आपको, देखिए क्या लिखा था स्टेप नंबर वन में, लीव्स एक्चुअली अलाउड और 30 डेज पर ईयर विच एवरेज अर्लियर। देखिए उसको अलाउड कितनी थी, देखो लिखा हुआ है शी वॉज एंटाइटल्ड फॉर 40 डेज लीव्स, यानी इसको अलाउड कितनी थी, 40 डेज की थी, बट हमें क्या लेना है, लीव्स एक्चुअली अलाउड और 30 डेज पर ईयर विच एवरेज लेस, तो हमें तो 30 डेज लेना पड़ेगा, 30 डेज पर ईयर। कितने साल उसने काम करा, देखिए शी वर्क फॉर 7 ईयर्स एंड 7 मंथ्स, अच्छा याद रखना 7 ईयर्स एंड 7 मंथ्स, इसमें आपको फ्रैक्शन इग्नोर करने हैं हमेशा, ठीक है। सो 30 × 7 दैट इज इक्वल टू 210 डेज। देन सेकेंड पॉइंट, लीव्स एक्चुअली टेकन, देखिए सेकेंड स्टेप बता, लीव्स एक्चुअली टेकन कितने लिए है, लिखा हुआ, लिखा हुआ है लीव्स, फर्स्ट केस हम कर रहे हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं फर्स्ट केस आपका, ये लीव्स यूटिलाइज कितनी की उसने, 22 डेज की, सो 22 डेज × 7 दैट इज इक्वल टू 154 डेज। देन थर्ड पॉइंट क्या था आपका, फर्स्ट स्टेप माइनस सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी, अच्छा सॉरी यहाँ पर ये एवरेज है ना फॉर लास्ट 10 मंथ्स, तो आपको ये 6 लाख आया होगा, सॉरी नॉट 60,000, ये 6 लाख आएगा, बिकॉज यहाँ तो आपका एवरेज नहीं, एवरेज आपको यहाँ लेना है ना, ठीक है, एवरेज आपको यहाँ लेना है, डिवाइडेड बाय 30, तो बस ये आपका अमाउंट आया है 1,12,000। अब इसको डी पॉइंट में लिख लेते हैं, अमाउंट 1,12,000, दैट्स इट। अब क्या करना है आपको, विच एवर इज लीस्ट, देखिए लीस्ट कौन सा अमाउंट है आपका, लीस्ट आपका 90,000, लीस्ट कितना आपका 90,000, तो ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो गया। अब अगर ये एग्जेम्प्ट है तो टैक्सेबल कितना होगा, देखिए टैक्सेबल कैसे निकालते हैं, टैक्सेबल लीव सैलरी कैसे निकालते हैं, जितना आपको अमाउंट मिला रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, मिला आपको कितना था, मिला ही 90,000 था, पर एग्जेम्प्ट यही पूरा अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो गया बिकॉज ये सबसे लीस्ट था, सो दैट मीन्स टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव सैलरी वुड बी नो, दैट्स इट, ठीक है। तो देखिए अब ऊपर हमने जो फॉर्मेट पढ़ा था ना, यहाँ पर देखिए लीव सैलरी, यहाँ पर देखिए टैक्सेबल, तो यहाँ पर क्या देगा, नील आ जाएगा, दैट्स इट। देखिए प्रेजेंटेशन में आपको यहाँ लिखना होगा जीरो, इसका मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर लिखना है नील, ठीक है, बिकॉज आपने इतनी कैलकुलेशन करी है वर्क में, तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग दी लीव सैलरी, राइट। सो स्टूडेंट वी हैव डन फर्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल स्टार्ट नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।